सागर जिले के जैन समाज के विशेष तीर्थ क्षेत्र 20 जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थली श्री समित शिखर जी को लेकर अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन बढ़ाने की मंशा के साथ शिखर जी के एक भाग को इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत पर्यावरण, पर्यटन व अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने वाली अधिसूचना क्रमांक 2795 ई बिना जैन समाज से आपत्ति व सुझाव लिए जारी की थी, जिसका अब संपूर्ण देश भर में विरोध तेज हो गया है। इसी तारतम्य में बुधवार को सागर शहर में सागर युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चौबे के नेतृत्व में भारी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस जन, युवक कांग्रेस जन, सेवा दल, महिला कांग्रेस, समस्त पार्षदगण, NSUI कार्यकर्ता भारी संख्या में नए कलेक्ट्रेट भवन पीली कोठी के सामने एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा। सागर युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चौबे ने कहा कि दिनांक 2 अगस्त 2019 को तत्कालीन भाजपा की झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित सर्वोच्च जैन शाश्वत तीर्थ श्री समित शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग घोषित कर इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत पर्यावरण, पर्यटन व अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने वाली अधिसूचना क्रमांक 2795 ई को बिना जैन समाज से आपत्ति या सुझाव लिए जारी किया गया था। सरकार द्वारा पर्यटन की आड़ लेकर जैन समाज के विशेष तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता और महत्वता को खत्म करने की सरकार की इस साजिश का हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमने ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है कि शाश्वत जैन तीर्थ राज श्री समित शिखर जी के संरक्षण, पवित्रता और स्वतंत्र पहचान को यथावत रखा जाए। अगर सरकार शीघ्र अतिशीघ्र इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो संपूर्ण प्रदेश, देश एवं सागर जिले में युवक कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। ज्ञापन का वाचन महिला कांग्रेस अध्यक्ष महज बिन अली ने किया। आज युवक कांग्रेस के द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस, सेवा दल एवं NSUI के और महिला कांग्रेस के विशेष मार्गदर्शन पर आज हमने जैन समाज का पवित्र तीर्थ स्थल समित शिखर जी पर जो पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है। और ये ज्ञापन हमारी ज्ञापन ही नहीं, हमारी विशेष तौर पे मांग है कि जो आपने पर्यटक स्थल घोषित कर रहे हैं, आप इसको, आपने जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उसको आप वापस लें, क्योंकि ये अभी तो सिर्फ जैन समाज की नहीं, सभी समाज, सभी धर्मों का है। क्योंकि जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं वहाँ पे किसी प्रकार की मांस, मृदा या नित्य क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान हमारी जो पूजन पाठ है उसके विरुद्ध। ये क्या वोट बैंक की राजनीति है कि जैन समाज को अपने पाले में लाना, और भी मुद्दे हैं शहर में, उस पर कांग्रेस से आगे आना चाहिए? इसको वोट बैंक की राजनीति नहीं बोलेंगे, इसको भगवान के प्रति श्रद्धा की राजनीति बोलेंगे। हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं और ये किसी भी धर्म के ऊपर हो, जहाँ पे भगवान के ऊपर, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, जहाँ इस प्रकार की कोई चीज़ होगी वो हम लोग कांग्रेस परिवार इसका विरोध करेंगे और उन समाज के साथ में कांग्रेस परिवार वहाँ पे खड़ा रहे। अभी जो नगर विधायक आए उनने अंदर जाके ज्ञापन दिया, हमें सब विपक्ष, आप लोग बाहर से क्यों देते हैं? अधिकारी भी आपको गेट से बाहर से नहीं आ रहा है, मतलब क्या है? हम लोग, आप लोगों को महत्व नहीं है विपक्ष का? हम लोग लॉ एंड ऑर्डर खत्म नहीं करना चाहते, हम लोग संविधान में रहकर काम करना चाहते हैं, हम लोग संविधान खत्म करना नहीं चाहते, और यही कांग्रेस की विचारधारा है। और कांग्रेस हमको यही सिखाती है कि आपको संविधान का पालन करना है, संविधान को आगे बढ़ाना है। अध्यक्ष जी, लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, ज्ञापन के बाद कांग्रेस सिमट जाती है, क्या देखने में आ रहा है? कई ज्ञापन दे चुके आप, मगर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, ना उसका मुद्दा उठा दिया। असर नहीं होता है आपके ज्ञापन के बाद? सिमट नहीं जाती, ज्ञापन के बाद विरोध प्रदर्शन भी होता है, लेकिन आपको खुद मालूम है कि ये सरकार तानाशाही सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, जो जनता की आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को दबाना जानती है, उस पर कायम रहना नहीं जानती, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती। वो उनको जो उचित लगता है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, वही कार्य करते हैं वो। और ये गूंगी बहरी सरकार है, और ये गूंगी बहरी सरकार सिर्फ 22 तक है, 23 में तो कांग्रेस की सरकार आने वाली है। सागर से संजय तिवारी की रिपोर्ट।